अरे वाह, पनीर भी ऊपर से। सही है यार, डोमिनोज वाले तो इस हिसाब से लूटते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। भी नहीं लगाते वो लोग। और ऊपर से कौन किसी भी चीज़ में टेस्ट अलग ले आती है, हल्का सा मीठापन जैसे कहना चाहिए, मज़ेदार वाला। बढ़िया। हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अनिया। दोस्तों आज मैं, संपत, रंजन मेरा दोस्त, संपत भी दोस्त है, और संग में मेरे क्लास का एक और मेरा दोस्त जिगर, हम चारों आ गए हैं साउथ एक्स में बहुत ही टेस्टी सा आउटलेट ट्राई करने के लिए। ये जो आउटलेट है देखने में छोटा है, बट इसने जो दो साल में अपने टेस्ट को फैलाया है उसे देख के आप हैरत में पड़ जाएंगे और आपके मुंह से निकलेगा डायरेक्टली वो। दोस्तों आज हम लोग आए हैं वो सैंडविच के एक आउटलेट पर जो कि साउथ एक्स में लोकेटेड है। लोकेशन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं, यहाँ के ओनर से बात करते हैं, आपको यहाँ का मेन्यू दिखाते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का सैंडविच टेस्ट में होता कैसा है और बनता कैसा है, और साथ ही साथ अगर कोई नई डिश मिली तो वो भी ट्राई आउट करेंगे और उसका भी टेस्ट आपको रिव्यू करके बताएंगे ज़रूर। तो आइए चलते हैं। वो सैंडविचेस का आउटलेट, सर सामने ओनर है, तो सर से बात करते हैं और आपको मेन्यू भी दिखाते हैं कि मेन्यू कैसा है। सर आपके इस आउटलेट को कितना टाइम हो गया है? दो साल। तो आपने जो शुरुआत करी थी वो सैंडविचेस से करी थी या जो आपके साइड में भेलपुरी मिलती है? 32 ईयर ओल्ड। अच्छा, 32 ईयर ओल्ड है, लेकिन जो आपने नाम दिया है दो साल पहले ही दिया है? ये हमने नया खोला है। ओके, तो आपका जो सैंडविच वाला पार्ट है वो ज़्यादा फेमस हो गया है अचानक से दो साल में, क्योंकि आप क्वालिटी देते हैं। भाई मैं भी देखना चाहूँगा सर की क्वालिटी कैसी, और आपको मेन्यू भी दिखाता हूँ पीछे से कैसा है। और ये रहा इनका पूरा का पूरा मेन्यू जिसमें 50 से भी ज़्यादा आइटम्स हैं इंक्लूडिंग सैंडविचेस आपके लिए। सो गाइस हम लोग अपना बनवा रहे हैं एक वेज ग्रिल सैंडविच। ये आ गई हम लोगों की ब्रेड, और ये ब्रेड मुझे काफ़ी साइज में बड़ी लग रही है। भैया ये आपकी मार्केट से आती है ब्रेड या आप खुद बनवाते हैं? खुद बनती है। ये खुद बनती है? बढ़िया, वो लग रहा है देख के, इतनी काफ़ी बड़ी सी है। मायो लगे, ये मेयोनीज लगा है उसमें। बढ़िया, ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी, आलू के भुने हुए मसाले होते हैं हमारे खुद के। अच्छा, बेसिकली आपने ऑलरेडी सूखे आलू टाइप बना के रखे हुए हैं पहले से, मसालेदार वाले, जीरा आलू टाइप। बढ़िया। ओके, टोमेटोस। दोस्तों सबसे पहली बात है, दिल्ली में बॉम्बे सैंडविच बहुत कम जगहों पे मिलता है, और एक्चुअली में इतनी बड़ी ब्रेड मैंने दिल्ली में स्ट्रीट फूड के तौर पे अगर मैं काउंट करूँ तो, या फिर किसी स्मॉल आउटलेट पे, तो बहुत कम जगहों पे इतनी बड़ी ब्रेड आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसकी कॉस्ट क्या है भैया? 140 रुपीज़। बढ़िया। ये क्या चीज़, ये चीज़ कौन सा है भैया हमारा? ये अमूल का होता है। अमूल का, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अभी पहली लेयरिंग हमारी हुई है इस सैंडविच की। मेरे मुंह में अभी से ही बनते हुए देख के पानी आ रहा है, आई होप टेस्ट में भी बहुत अच्छा हो। सो एक चटनी की लेयर और मेयोनीज की लेयर भी लगी थी संग में। अनियंस। अच्छा, इसमें अनियन एक्स्ट्रा है, उसमें टमाटर था, इसमें अनियन। ये क्या चीज़ें भैया? मिक्स वेजिटेबल्स। एक मिनट, मैं इसको पास से दिखा दूँगा हमारे लोगों को। ये मिक्स वेजिटेबल देखिए दोस्तों, कितना मस्त लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग। तो अब इसके ऊपर डलेगा, इसमें हल्का सा कैप्सिकम भी है ना मिक्स वेजिटेबल में। ये मसाला किस चीज़ का भैया? ये हमारा खुद का बनाया हुआ मसाला, उसका बनाया हुआ मसाला है। ओके, सीक्रेट रेसिपी। चलिए, और ये चीज़ की एक लेयर और गई इसमें। ओके, बढ़िया, बहुत ही गजब जैसे कहना चाहिए। और लगेंगे अमूल के, ये अमूल का बेटर है आपका? बढ़िया, मतलब जब आपके अमूल की चीज़ें दिखती है ना तो आपके मन में आता है कि 140 रुपीज़ भी इतने हैवी सैंडविच के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वो एक ऑथेंटिसिटी आती है टेस्ट के लिए आप के सामने। अच्छा, इसके ऊपर मक्खन लगेगा ग्रिल होने से पहले? ओके, सो गाइस अभी ये सैंडविच हमारा हाफ तैयार हुआ है, क्योंकि अभी ग्रिल होने के बाद और भी चीज़ें होंगी इसमें। ये गया ग्रिल के अंदर, बढ़िया, रख दीजिए। वो सैंडविच देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बढ़िया। तो भैया जैसे ये जो सैंडविच है ये हाफ मिलता है 140 में, फुल है? हाफ है, 140 की एक। कोई नहीं, बढ़िया। तो ये किसी और के लिए बनाया हमारा, बढ़िया। तो आप देख सकते हैं इसमें, एक बार क्लोजअप देखिए, इतना सारा चीज़ है। और अभी ये गया हमारा प्लेट में, बढ़िया। और इसके ऊपर अब और डलने वाला है अमूल चीज़ हमारा, बहुत बढ़िया। और दोस्तों आपको पता है इसके बाद हम लोग अपने लिए गार्लिक ब्रेड भी बनवा रहे हैं एक प्लेट, तो अब इसमें जाएंगी चटनीज डिफरेंट डिफरेंट। और ये चिप्स गए यार, ये चिप्स वाला पार्ट देख के सही में किसी जैसे बचपन में बर्थडे में मिलते थे ना कई बार, चिप्स रख के पेस्ट्री वेस्ट्री के साथ, मज़ा आता था। ये कौन सी चटनी है सर?
ये हमारे अपने टमाटर लहसुन की बनाई है, टमाटर लहसुन की चटनी है, ये धनिया वाली, बढ़िया बढ़िया। सो अभी इसे एक मिनट साइड में रख देते हैं, संपत भाई से पकड़ना, आज मेरे संग संपत आया है, आप देख सकते हैं येरा, ये मेरा दूसरा दोस्त है जिगर, वो तीसरा दोस्त है रंजन। तो अभी हम लोग गार्लिक ब्रेड बनवाते हैं और फिर आपको बताते हैं टेस्ट करके कैसा है। सो गाइस, अब हमारी बन रही है गार्लिक ब्रेड, और ये ब्रेड भी आई थिंक आपने भाई अपनी खुद की बनवाई है अलग से। बढ़िया, चार पीसेस आते हैं और कितने रुपए की प्लेट बताई थी आपने? 130। बढ़िया, ये अमूल बटर गैस। तो अब ब्रेड का साइज देखिए आप, सबसे बड़ी बात है थोड़ा मोटा साइज है सॉफ्ट का, तो आई होप पेट अच्छे से भरेगा हम लोग का। ये क्या भैया? गार्लिक पेस्ट। अच्छा, गार्लिक पेस्ट, बढ़िया। ये गार्लिक पेस्ट आप खुद बनाते हैं? ये गैस के ऊपर चीज़ गार्लिक ब्रेड, मतलब मैं सिर्फ डोमिनोज की खाई है आज तक, पहली बार मैं आउट ऑफ डोमिनोज जाकर, अरे वाह पनीर भी ऊपर से, सही है यार, डोमिनोज वाले तो इस हिसाब से लूटते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, साले पनीर भी नहीं लगाते वो लोग। कॉर्न ऊपर से, कॉर्न किसी भी चीज़ में टेस्ट अलग ले आती है, हल्का सा मीठापन जैसे कहना चाहिए, मज़ेदार वाला। बढ़िया, ये गया भैया का घर, मतलब खुद का बना हुआ कस्टमाइज मसाला, और इसके ऊपर चीज़ का फिर से आपको एक बर्स्ट मिलेगा, मज़ा आ गया यार देख के, मतलब सही में। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा दोस्तों। और अभी ये जाएंगी सारी की सारी ओवन में, है ना भैया? बढ़िया, कितनी देर लगती है ओवन में भैया? सर 3 मिनट। 3 मिनट, मसाला और गया ओवन भैया का, ये देख सकते हैं आप ओवन है, इसके अंदर जाएंगे सारी की सारी गार्लिक ब्रेड हमारी। अरे वाह भैया की एक्सपर्टीज देखिए, एक बार में चारों उठा के रख दी भैया जी। हमारी गार्लिक ब्रेड अब तैयार हो चुकी है, अब इसे बाहर निकाला जा रहा है हमारे लिए, प्लेट में रख के ऑलरेडी। बढ़िया, कलर बहुत अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, बढ़िया। तो ये आ गई हमारी गार्लिक ब्रेड, इसमें भी चटनी मिलती है भैया जी? चटनी भी रखते हैं अभी हम लोग, ये बहुत ही बढ़िया है, फोटो तो कलर्स तो बहुत ही अमेजिंग आ रहे हैं, और इसमें भी चिप्स मिले हैं आपको थोड़े से, अमेजिंग। सो गाइज, अगर आप यहाँ पे दो तीन दोस्तों के संग आते हैं तो आई होप 250 और 270 रुपीज़ में आपका एक अच्छा नाश्ता हो जाता है। ओके, वो आपकी टमाटर वाली चटनी थी ना सर जी, येल्लो वाली जो है, टमाटर और लहसुन टमाटर, लहसुन टमाटर। तो गाइज हमारा सैंडविच ऑलरेडी तैयार हो गया है, गार्लिक ब्रेड भी तैयार है, तो आइए फटाफट टेस्ट करते हैं। वेट किस बात का, मुँह में पानी आ रहा है भाई बहुत तेज़। सो गाइज़ ये आ चुके हैं हम दोनों, लाइक हमारे दोनों आइटम्स, हमने ली है चीज़ गार्लिक ब्रेड जिसमें पनीर पड़ा हुआ है बहुत सारा, और ये लिया है हमने यहाँ का चीज़ ग्रिल्ड बॉम्बे सैंडविच, ये हमें पड़ा है 140 का और ये पड़ा है हमें 130 का। तो सबसे पहले हम लोग सैंडविच ट्राई आउट करने वाले हैं, और वो भी हमें तीन चटनी के संग मिला है, ये टमाटर लहसुन की चटनी है, ये हल्की नॉर्मल पुदीना चटनी है विद कोरिएंडर, और ये नॉर्मल केचप विद चिप्स, और ये चिप्स मुझे बचपन की याद दिला रहे हैं। तो सबसे पहले एक बाइट लेते हैं इस बर्गर का, जो इतनी सारी लेयरिंग के साथ है, आपने बनते हुए देखा था कितना सारा चीज़ डाला था भैया ने, वो भी अमूल का चीज़ विद लॉट ऑफ अमूल बटर। तो भाई इसे मैं इस अनोखी स्पेशल चटनी के संग खाऊंगा भैया की, मेरे मुंह में हल्का सा पिज्ज़ा वाला फ्लेवर आया, द रीज़न बीइंग इसकी वेजीज हैं इसमें, ये हेल्दी भी है वेजीज होने की वजह से, बट साथ ही साथ इतना चीज़ होने की वजह से इतना अनहेल्दी हो गया, इतना टेस्टी हो गया, बस क्या बताऊँ आपको। एक बार इसे हरी चटनी से टेस्ट करते हैं, क्या पता कुछ अलग फ्लेवर आए, और चटनी बहुत ही अच्छी हो रही है। इस समय संपर्क शूट कर रहा है, आई होप उसको चीज़ देखते थोड़ा तो मुंह में पानी आ ही रहा होगा। आप एक बार चीज़ देखिए क्लोजअप यार, कितना सारा चीज़ है, मतलब मेल्ट भी हो गया हल्का हल्का, अमेजिंग। ये लगाया सॉस, अमेजिंग आई, रखते हैं सैंडविच को साइड में, सैंडविच आज जस्ट अमेजिंग, उनका जो नाम है वो सैंडविच बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि इतना अच्छा सैंडविच मैंने तो दिल्ली में कहीं नहीं खाया सही में। नेक्स्ट आइटम इज चीज़ गार्लिक ब्रेड, बिलीव मी 130 में आपको डोमिनोज का आधा भी नहीं देता, लूटते हैं लिटरली लूटते हैं भाई, अब चाहे वो ब्रांड हो चाहे कुछ हो। और यहाँ देखो चीज़ पनीर भर भर के ठूस ठूस के आपको दिया है, इसे मैं इस येलो वाली चटनी के साथ खाऊंगा यार, बहुत टेस्टी थी। अंदर कॉर्न भी है
और उस कॉर्न का टेस्ट बिल्कुल ही अलग है, अमेजिंग वाला जैसे कहना चाहिए, मज़ा आ गया। मुझे लग रहा था मैं साउथ एक्स आ रहा हूँ, शायद मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए, सैंडविचेस अच्छे ना हो, बट अच्छे वो जैसे कहना चाहिए बिल्कुल वो वाली फीलिंग देती है वो सैंडविचेस में, मज़ा आ गया। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, गार्लिक ब्रेड अच्छी लगी हो और सैंडविच आपको मज़ेदार यम्मी सा मुँह में पानी लाने वाला लगा हो, तो भाई वीडियो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो।